परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराधक श्री रत्न सागराचार गुरुदेव की। वीरा तेरे ही भरोसे मेरी पतवार है, वीरा तेरे ही भरोसे मेरी पतवार है, तू ही मेरी नाव कमान जी, हो तू ही मेरी नाव कमान जी, तू ही पतवार है, वीरा तेरे पतवार है, तू ही मेरी नाव कमान जी, हो तू ही मेरी नाव कमान जी, तू ही पतवार है, गुरु तेरी ही भरोसे मेरी पतवार है, गुरु तेरी ही भरोसे मेरी पतवार है। जयकारा आइएगा चलेंगे। और हमारे बीच में आज की कथा हमारे बीच में है आदरणीय श्री दयाचंद जी जैन, दीपक जी जैन खेवई परिवार से। वो लोग आए परिवार से ही तो पूज्याचार्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करके पूज्याचार्य भगवंत का आशीर्वाद प्राप्त करें, इसी के साथ मिलकर के गुरु आराधना करते हैं। चलेंगे इसी के साथ पूज्याचार्य गुरुदेव के चरणों में आप सभी की ओर से और हम आप सभी की ओर से। पूज्याचार्य गुरुदेव के चरणों में चार पंक्तियों के माध्यम से निवेदन करती हैं कि गुरुदेव की याद कभी भूले नहीं भुलाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई गुरु अवश्य होते हैं और हर किसी के हृदय में गुरु की याद समाहित होती है, वो कभी भूले नहीं भुलाई जाती है। तो चार पंक्तियों के माध्यम से लहरें आती किनारों पर आकर के यूं पलट जाती, याद आती गुरु की जब आकर के यूं सिमट जाती, लहरें और याद में बस फर्क इतना है मेरे गुरुवर, लहरें और याद में बस फर्क इतना है मेरे गुरुवर, लहर वे वक्त आती है याद हर वक्त आती है, लहर वे याद हर वक्त आती है। हे गुरुदेव
गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके चरणों में त्रियोग से नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि आप हमें श्री शांतिनाथ भगवान की जीवन चरित्र की वह गाथा व कथा हम सभी को सुनाएं, जिससे कि हम सभी का कल्याण हो सके। नमोस्तु भगवान। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः, सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृतज्ञ कर्मोग शांताय शान्तये सर्वकर्मणाम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। शांतिनाथ भगवान की। महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य परम्पराचार सिख सम्राट सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। अहिंसा महे विश्व धर्म की जय बोले। परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत श्री अक्षर सुरत ने सागराचार्य गुरुदेव की जय। मानव बाबू, शांतिनाथ भगवान की आगे मंगल गाथा को अपन प्रारंभ करेंगे। बड़ा ही सुंदर विषय चल रहा था। सुंदर इसलिए था क्योंकि वो क्षेत्र की चर्चा, जो क्षेत्र जम्बूद्वीप और उस जम्बूद्वीप में समस्त द्वीपों का चक्रवर्ती के समान शोभा को प्राप्त ऐसा वह द्वीप और उसके बीच में वह सुदर्शन मेरु और सुदर्शन मेरु पर तीर्थंकर परमात्माओं का अभिषेक पूजन जन्माभिषेक आकृतिम चित्तरोग मंडन हम लोग पूर्व में चर्चा कर रहे थे विज्जात पर्वत की। और वो विज्जात पर्वत के अंदर जो स्थित जो गुफाएं हैं और उन गुफाओं में वह अकृत्रिम चैत्यालय और उन अकृत्रिम चैत्यालयों में देवगण क्या करने जाते हैं, भगवान शांतनाथ की वंदना करने के लिए। शांतनाथ से मतलब
शांति स्वरूप जो अनंत परमात्मा है, उनकी वंदना करने, उनकी स्तुति करने के लिए वहाँ प्रस्तुत होते हैं। कल चर्चा हम लोगों ने की थी कि वहाँ पर ऊंचे ऊंचे दंड में ध्वजाएं फहराती हुई वह अकृत्रिम मंदिर और उन अकृत्रिम चिनालों में 500 धनुष उतंग काया को लिए हुए जिनेन्द्र भगवान की मनोहारी प्रतिमाएं। वास्तविकता में जब उन प्रतिमाओं का वर्णन पूर्वाचारों के द्वारा सुनते हैं, भक्ति पाठ के द्वारा जब उसको श्रवण करते हैं, तो उन प्रतिमाओं के बारे में सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि हे प्रभु, ऐसी कोई दिव्य शक्ति प्रकट हो कि मैं वहां जाऊं और उन चैत्यालों की वंदना कर कर, उन चैत्यों की पूजा कर कर अपने को आनंद के सागर में डुबो लूं। वैसे तो बहुत लोग समुद्र में डूब जाते हैं, पांचों इंद्रियों की विषयों में डूब जाते हैं, पर कुछ ही भव्य होते हैं जो जिनेन्द्र भगवान की पूजन में डूब जाते हैं। पता नहीं लोगों की रुचि किस किस में है, पर हे आराध्य, मेरी रुचि तो आपके ही चरण कमल में है। ऐसी भावना वही भाते हैं जो इस संसार से पार होने के लिए बड़े ही उतावले होते हैं। वास्तविकता में वह चैत्यालय रत्नों से जड़ित है, अपार वैभव के साथ देवगढ़ पूजा और अर्चना करते हैं। और उस जिनाले में मनोहर गीत गाती हुई देवांगनाएं और विद्याधरणियां भगवान की स्तुति करती है, और स्तुति करते समय पूरा का पूरा आकाश और अनंत भगवान के गणों से गुंजायमान हो जाता है। जब मैं कुछ समय के लिए आपकी स्तुति करता हूं, तो मेरा जीवन आप में हो जाता है, और वहां तो आनंद सागर में लोग डूबे रहते हैं। क्यों? वो हर समय आपकी पूजन आराधना में ही तत्पर रहते हैं। ऐसे प्रभु की आराधना जिन्होंने स्वयं के द्वारा स्वयं को वर्ण कर लिया है, आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं यों प्रखर कर लिया, वीतरागी प्रभु हे शांति जिने आपके द्वी चरण में हमारा नमन, आपके द्वी चरण
में हमारा नमन हो समाधि मरण हो समाधि मरण आपके द्विचरण में हमारा नमन। ऐसी प्रबल भावना को लेकर वो देव और देवांगनाएं विद्याधर और विद्याधरनिया कहाँ आते हैं? जिनेंद्र भगवान के उच्च विद्यालय में आते हैं। उच्च विद्यालय में कितनी ही देवांगनाएं प्रभु की भक्ति में भाव नृत्य प्रस्तुत करती है, गिनती नहीं है। कौन करती है? देवांगनाएं। कहा जाता है जो प्रभु के चरणों में भक्ति नृत्य करता है उसकी सभा में सौधर्म इंद्र आकर भी नृत्य गान करते हैं। यहां से ये बात सत्य हो जाती है जो जिनेंद्र भगवान की पूजन में भक्ति करता है भाव नृत्य प्रस्तुत करता है उसकी सभा में इंद्र आनंद नृत्य करता है। कहा गया कि तांडव नृत्य करता है। कितनी देवांगनाएं अपने भाव भ्रमण को शांत करने के लिए उस चैत्यालय में भावपूर्वक आती हैं, नृत्य करती हैं। कितनी ही भगवान की पूजा करती हैं, कोई गिनती नहीं है। हम तो एक समय के लिए गिनती कर भी सकते हैं पर जिनेंद्र भगवान की पूजा में जो देवगण आते हैं उनकी कोई गिनती दूर दूर तक नहीं होती है। तथा आनंद के प्रगाढ़ रस में मग्न हुई कितनी विद्याधरनिया वाद यंत्र बजाती है। कौन से यंत्र बजाती है? वाद यंत्र बजाती है। ढोलक भी बजाती है, मजरा भी बजाती है, जो जो वाद यंत्र होते हैं वो स्वयं बजाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम भगवान की भक्ति में जब डूबते हैं मंदिरों में देखने को मिलता है। आज तो हम पूजा पढ़ने के लिए लोगों को बुला लेते हैं, पहले कोई सिस्टम ही नहीं था, खुद पूजा करते थे और संगीत भी हाथ में लगी हुई चम्मच, क्या समझे आप लोग, हाथ में लगी हुई चम्मच, हाथ में आई हुई कटोरी जो भगवान की वेदिका पर या संदली पर जब बजाते थे वह स्वर निकलता था और उस स्वर में व्यक्ति इतना डूब जाता था कि उसको कोई पता नहीं कौन आया कब क्या हुआ कुछ नहीं पता। वाद्य यंत्र कौन बजाते थे? स्वयं विद्याधरनिया बजाती थी, जो विद्याओं की अधिपति। उनके जीवन में किसी भी कोई कमी नहीं थी पर आनंद के प्रकार रस में मग्न हो कितनी विद्याधरनिया क्या बजाती थी? वाद्य यंत्र बजाती थी। कितनी ही विद्याधरनिया बड़े उत्साह के साथ जिनेंद्र भगवान श्री जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक किया करती थी। क्या करती थी? जिनेंद्र भगवान का अभिषेक। कौन? विद्याधरनिया। आचार्य गुरुदेव सरमत सागर जी महाराज बोलते थे अगर मस्तक को अगर पवित्र करना है तो अपने मस्तक पर एक बार जिनेंद्र प्रतिमा को स्थापित अवश्य करना। क्या करना? जिनेंद्र प्रतिमा को स्थापित अवश्य करना।
अगर आपको इस वर्तमान पर्याय का छेदन करना है तो एक बार जिनेंद्र प्रभु के चरणों में बैठकर उनका स्पर्श कर निवेदन नमस्कार करना कि हे प्रभु, बहुत हो गया ये दुख सागर में गोते खाते खाते, अब मेरे को आनंद सागर में गोता खाना है। कवि क्या बोल रहे हैं, कितनी इंद्रियां, कितनी देवांगनाएं, कितनी विद्याधरणियां जिनेंद्र भगवान क्या करती थी, अब फिक करती थी। सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर आगम तो यही दर्शाता है। समाज व्यवस्था कुछ भी हो सकती है, पर आगम व्यवस्था में कोई समझौता नहीं है। आचार्य भगवंत यहां पर कह रहे हैं बड़ी मार्मिक बात, कितनी ही विद्याधरणियां भगवान का दर्शन करती थी और कितनी ही देव देवनियां विद्याधर विद्याधरणियां से भरा हुआ व गंभीर शब्द से भरपूर चैत्यालय धर्म रूपी महासागर के समान जान पड़ता था। बताइए कितनी सुंदर कल्पना, ये कल्पना नहीं है यथार्थ है। जब जिनालों में जिनेंद्र भगवान की भक्ति के जिनेंद्र प्रभु के गुणानुवाद के शब्द जब गुंजमान होते हैं ना, उस समय उस मंदिर का अलग ही क्या होता है, माहौल होता है। इस जिनाले में जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, जब भी आएगा, तो यहां पर सिर्फ जिनेंद्र प्रतिमा के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब भी कैसे ही भाव के साथ आएगा, एक बार कही देगा जिनाले है, इसमें मुझे कोई पाप नहीं करना है, कसाय भाव नहीं करना है, यहां सिर्फ क्या करना है, सिर्फ धर्म चर्चा करना है। अब कहोगे कि भगवान तो बोलते नहीं है, तो ये हमको क्या उपदेश देंगे, इनकी प्रतिमा इनकी मुद्रा एक अपने में बहुत बड़ा एक उपदेश है। ग्रहण करने वाला ग्रहण कर लेता है और नहीं ग्रहण करने वाला क्या करता है, जिनेंद्र की देशना को भी ग्रहण नहीं कर पाता है। महत्वपूर्ण गंभीर शब्द, शब्द भी कैसे, हल्के शब्द नहीं, शब्द भी कैसे होंगे, गंभीरता को लेकर। याद रखना, जब कोई भगवान की भक्ति में डूबता है, मग्न होता है, और भगवान की भक्ति में डूबने के बाद कभी कभी भगवान को हम तू शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं, फिर भी भक्ति में वो स्वीकार होता है। वैसे हमारे लिए आदर्श है, बोल देना कि तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारण हरा कब तेरा क्या होगा, दर्शन होगा। बताओ दर्शन कब होगा, परमात्मा तो कहता है मैं तो तुमको हर समय दर्शन देने के लिए तैयार बैठा हूं। क्यों श्रोता जी, तो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। कितने बजे उठना पड़ेगा, 6 बजे उठना पड़ेगा। परमात्मा कहता है कि मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए तैयार हूं, आओ एक बार आओ। और एक बार ज्यादा नहीं, एक बार इन चरणों का स्पर्श कर लो, तो आचार्य भगवत कहते हैं जो एक बार जिनेंद्र परमात्मा का चरण का स्पर्श कर लेता है, जिनेंद्र प्रतिमा के ऊपर अभिषेक हेतु धारा छोड़ देता है,
तो उसके उसी समय असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो जाती है। विचार करिए, ये भगवान के प्रति आनंद है। गंभीर शब्द जितने भी स्त्रोत हैं, जितनी भक्तियां हैं, उन भक्तियों के माध्यम भगवान का स्तवन करना। अगर भक्ति नहीं आए, पढ़ना नहीं आए, तो सीधे सीधे बोल देना, हे भगवान, तुम मुझे अपना जैसा कब बना रहे हो? क्या बोल देना? हे प्रभु, तुम मुझे अपना जैसा कब बना रहे हो? वो घड़ी धन्य होगी जब मैं आप जैसा बनूंगा। कैसा बनूंगा? आप जैसा बनूंगा। गंभीर शब्द। जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति में कोई छोटे मोटे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। हर शब्द में गंभीरता, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है। याद रखना, जिनेंद्र परमात्मा के सामने जनालों में कभी व्यर्थ की बातें मत करना। कैसी बातें मत करना? व्यर्थ की बातें मत करना। व्यर्थ की बातें करने के लिए बहुत स्थान है, पर धर्म की चर्चा करने के लिए तो मात एक जनाले ही है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम और दर्शनम स्वर्ग सोपानम और दर्शनम मोक्ष साधनम। किसके दर्शन करने से? इन भगवान के दर्शन करने से। इस वितराग मुद्रा के दर्शन करने से, हे परमात्मा, मेरे भवों भवों का अंत होता है। इसलिए मैं कहां आया हूं? थारी शरण में आया हूं। शरण किसकी है? हे प्रभु, आप करुणादारी हो, भव तापहारी हो, इसलिए कहां आया हूं? इसलिए थारी शरण में भगवान आया हूं। आओ, आ गया, अब क्या करो? अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे, अब जीत तुम्हारे चरणों में। हार तो होती नहीं है, जीत की बात करो। क्यों दीपक भाई, किसकी बात करो? ये वो नाव है जो इनकी एक बार शरण लेता है ना, वो इस पार से उस पार नहीं, भाव पार लगा देता है। ये वो केवट हारे हैं। कौन है? बहु, ये वो केवट हारे हैं। एक वो केवट हारा होता है जो इस पार से उस पार लगा देता है, पर ये वो केवट हारे हैं जो पार तो लगाते हैं पर भव पार लगा देते हैं। ऐसा गंभीर शब्द किसमें? चित्तल में गुज्यमान। अनेक अनेक स्तुतियां, जैसा जिसका भाव होता है वैसी भगवान की आराधना करता है। बालक जब अपनी तोतली भाषा में कुछ बोलता है ना, कौन सी भाषा में? तोतली भाषा में जब बोलता है ना, कितना अच्छा लगता है बताओ? लगता है आप लोगों को? लगता है ना? अगर उस तोतली भाषा में कुछ भी बोल जाए, जैसा भी बोल जाए, क्या लगता है? बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों? वो निर्विकारी है,
रागा द्वेष नहीं है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है। पर उसी तोतली भाषा में कोई बड़ा व्यक्ति बोल जाए, अहंकारी व्यक्ति बोल जाए, तुरंत क्या हो जाए, झगड़ा हो जाता। अरे इसने कैसे बोल दिया, इसको नहीं बोलना चाहिए था। पर बालक कुछ भी बोल जाए तुरंत स्वीकार है। ऐसी परमात्मा के द्वार पर चाहे कोई व्यक्ति कैसे भी भक्ति कर जाए, कुछ भी कर जाए, परमात्मा कहता है कोई बात नहीं, तेरी हर गलती मुझे स्वीकार है। क्या तेरी हर गलती मुझे स्वीकार है, आ एक बार भगवान की वंदना करने आ, उस चैत्यालय में आ। बड़ा सुंदर मुझे प्रसंग याद आता है, मैंने चाहे पूर्व सुनाया भी था। एक अंधा आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता था, कहां आया, रोज मंदिर आता था, रोज चैत्यालय आता था, रोज आराधना करने आ रहा है। एक ने पूछ लिया, आखिर तू मंदिर जाता क्यों है? क्या पूछा, आखिर में तू मंदिर जाता क्यों है? तेरे मंदिर से तुझे जाने से परमात्मा तो दिखता नहीं होगा, क्योंकि तेरे पास देखने के लिए क्या नहीं है? हे वीर, तुम्हारे चरणों में एक दर्श भिखारी आया है, और प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को क्या लाया है, दो नयन कटोरे लाया है। परमात्मा मेरे पास तो दो नैन भी नहीं है जिससे मैं आपकी प्रतिमा का अवलोकन कर सकूं। ऐसा व्यक्ति रोज भगवान की वंदना करने आ रहा है, देखने वालों ने देखा, क्या देखा, देखने वालों ने देखा, टोक दिया, तुम मंदिर आते हो, परमात्मा को तो देख नहीं पाते हो, फिर क्यों मंदिर आते हो? उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मानता हूं मेरे पास देखने की शक्ति नहीं है, मानता हूं मैं चैत्यालय में जाकर भगवान की प्रतिमा का दर्शन नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं अंधा हूं, पर जिनकी वंदना करने जाता हूं ना, जिनके स्थान पर जाता हूं ना, जिसके चैतन्य में जाता हूं ना, वो तो तीनों लोक को जानने वाले हैं और तीनों लोक को देखने वाले हैं। मैं अंधा कोई बात नहीं, मैं परमात्मा को देख पाऊं ना देख पाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम परमात्मा तो मुझे देख रहा है ना, वही मेरे लिए काफी है। ऐसी भावना उसी की होती है जो भगवान का पक्का भक्त होता है। भक्त कौन, भक्त कौन, जिसके पास प्रभु, जिसके पास परमात्मा के लिए रात दिन वक्त हो, वही कौन है, वही परमात्मा का भक्त है। और जिसके बाद में वक्त ही ना हो, बताओ वो वक्त कहलाएगा? भगवान बुला रहे, आ जा बेटा, हाँ आता हूं, थोड़ा एक ग्राहक के चला के आ जाऊं, क्या चला के आ जाऊं, आ रहा हूं एक ग्राहक, क्या होगा ना। यहां पर तात्पर्य यह है कि जब भी हम प्रभु का स्मरण करें, कितने भी हम व्यस्त हों, पर हर सांस सांस में क्या होना चाहिए, प्रभु का स्मरण होना चाहिए। जिसकी सांस सांस में परमात्मा का ध्यान है, स्मरण है, तो याद रखना वो कभी पांचों पाप भी खुलकर नहीं कर सकता। डर लगा रहेगा, परमात्मा देख रहा है, भय बना रहेगा। और परमात्मा कहाँ बैठे हैं,
मंदिर में है, चैत्यालय में है। हम कहाँ पर हैं? दुकान पर हैं। और याद रखना, परमात्मा दुकान पर भी है, क्योंकि याद रखना, भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भक्त एक बार परमात्मा को छोड़ सकता है, पर भगवान वैसे तो ये किसी का हाथ थामते नहीं है। क्या? वैसे तो ये किसी का हाथ थामते नहीं है, और जब किसी का हाथ थाम लेते हैं ना, तो किसी का हाथ छोड़ते नहीं। ये ऐसे परमात्मा है, इनकी शरण में आने से पता है, जंगल लगा हुआ सोना भी क्या बन जाता है, जंगल लगा हुआ लोहा भी क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। पारस से पारस मिलकर पारस मणि बन जाता है। क्या? पारस से पारस मिलकर पारस मणि बन जाता है, और परमात्मा का आशीष पाकर हमारा सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। परमात्मा कहते हैं, चैत्यालों की बात है, वो धन्य है नगर, और नगर के अंदर विद्यमान जो मंदिर है, और मंदिर के सामने किसी का घर हो, क्या हो? घर। बताओ वो पुण्यशाली है या भगवान है या पापी है? पुण्यशाली है। क्यों? जैसी सुबह गेट खुलते हैं तो दर्शन किसके होते हैं? इन भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान भी देखता है, किसको देखता है? सामने जो होता है उसको भी देखता है। कहा जाता है भगवान की जहां जहां दृष्टि जाती है, तो चारों ओर विकास हो जाता है। इसलिए मंदिरों में मानस्तंभ बनते हैं। क्या बनते हैं? मानस्तंभ बनते हैं। चारों ओर चतुर्मुखी विकास होता है। किससे होता है? मानस्तंभ से होता है। शिखर बनती है, विशाल शिखर बनती है, और शिखर पर कलश भी होते हैं, और कलश के ऊपर क्या होती है? ध्वजा फहराती है। आजकल तो हम लोग ध्वजा उसकी लगा देते हैं, जैसे क्या बोलते हैं अपन, तांबे की, स्टील की, सोने की, चांदी की लगा देते, नहीं, ध्वजा वही मान्यता को प्राप्त होती है जो फहराती है। क्या करती है? फहराती है। कहा जाता है कि जितनी बड़ी ध्वजा होती है, जितनी ऊंची ध्वजा होती है, उसका यश उतनी दूर दूर तक और ऊंचाई को छू जाता है। क्या लगाने से? ध्वजा लगाने से। किसी भी जनाले की ध्वजा झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए? सीधी होना चाहिए, ना टेढ़ी ना झुकी हुई नहीं होना चाहिए। क्यों? आपने देखा होगा, दो राजा जब आपस में युद्ध करते थे पहले, अगर सामने वाले राजा ने अगर अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया है, तो संकेत कैसे करता था? अपनी ध्वजा को झुका देता था। जिन जनालों की ध्वजा झुकी होती है, उस समाज का कभी यश चारों ओर गुंजयमान नहीं हो पाता है। उन चैत्यालों का वर्णन सागर ही नहीं, धर्म रूपी महासागर में पता नहीं कितने लोग आते थे, और जो एक बार प्रभु का गुणगान प्रारंभ करता था, शुरुआत तो एक करता था,
पता नहीं उस गुणगान में कितने सारे लोग आकर भाव विभोर होकर परमात्मा की भक्ति सुनते थे और सुनने के बाद अपने अपने स्थान पर जाने का मन नहीं होता था, पर जाना पड़ता था। वो क्यों? भगवान की आराधना में कुछ ऐसा ही आनंद आता है। जब नानी कहानी सुनाती थी, जब दादी कहानी सुनाती थी, आजकल ना नानी कहानी सुनाती है ना दादी कहानी सुनाती है। सुनाए जब तो नानी और दादी को फुर्सत हो। क्या समझे? फुर्सत हो। बच्चों से ज्यादा दादी और नानी भी जी रहती है तो क्या कहानी सुनाएगी भगवान महावीर। और जो दादी और नानी जब कथा सुनाती है, कहानी सुनाती है, भगवान की पुराण सुनाती है, तो बालक आगे चलकर निश्चित महान पुरुष बनता है। आज के मोबाइल की जिंदगी है। बच्चा अगर रोया क्या थमा दिया? ले, 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 तू भी बिजी, मैं भी बिजी, तू भी जी ले जिंदगी और मैं भी जिंदगी अभी जी रहा हूं। क्या सोच है? याद रखना, दादी और नानी की कहानी सुनाते समय एक बार सुनने वाला सो भी जाए। पता पहले क्या कहते थे? हुकरा देना, हुकरा। हूं पूछते थे, सुन रहे हो कि हूं? इसे क्या पता लगता था? जग रहा है, नींद ना आए, इसलिए कहा जाता कि हुकरा देते रहना। हे परमात्मा, आपकी कथा को सुनकर, आपकी कहानी को सुनकर, आपके जीवन चरित्र को सुनकर यहां तो पलक भी नहीं झपकती है, नींद की बात तो बहुत दूर है। कान थकते नहीं है किसकी आराधना सुनने से? परमात्मा की आराधना सुनने से। बंधुओं विचार करिए, उन चैत्यालो क्या आनंद होगा, लोग धर्म रूपी महासागर में डूब जाते हैं। जब धर्म की अवरल धारा बहती है ना, तो पता लोगों की स्थिति कैसी हो जाती है। वैष्णव परंपरा में मीरा का उल्लेख आता है। मीरा भगवान की भक्ति में, नारायण की भक्ति में इतनी पागल थी, जिसका वर्णन बहुत आता है। चंदना को देखो, क्या था उनके पास? कुछ था क्या? बाल भी सर पर नहीं थे, राजकुमारी होने पर भी वस्त्र भी ठीक ठाक नहीं थे, ठीक ठाक नहीं थे। भोजन करने के लिए क्या थे? उड़द के छिलके थे। पैरों में क्या पड़ी हुई है? बेड़ियां पड़ी हुई है। बेड़ियां भी कैसी? एक बेड़ी छोटी और एक बड़ी बड़ी, पूरी बेड़ियां नहीं थी। भगवान महावीर स्वामी ने नियम लिया। कितने नियम? 13 नियम। राजकुमारी भी हो, कौन हो? राजकुमारी हो। और जो राजकुमारी होगी तो सर में बाल तो होंगे ना, उसके तो राजकुमारी है, तो उसके सर पर बाल ना हो। राजकुमारी भी हो पर महलों में ना हो, कारावास में हो। ऐसी कौन सी राजकुमारी कौन सी? महलों में हो या कारावास में हो? कारावास में हो। ऐसी राजकुमारी हो
जिसके पैर एक पैर धैर्य के अंदर हो और एक पैर धैर्य के बाहर हो। कम से कम बीड़ियां तो बराबर की होगी ना, आगे पीछे कैसे हो जाएंगी। राजकुमारी हो, रोती भी हो और हंसती भी, भगवान की भक्ति में विभोर हुई जैसी सुना महावीर आ रहे हैं। झांक कर देखा सब हो रहा है, तुरंत क्या किया, प्रणाम किया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। विधि मिली, महावीर का पड़गाहन हुआ, महामुनि का पड़गाहन हुआ। जैसे ही महामुनि को विधि के अंदर लेके गई, बेड़िया खुल जाती हैं। सर पर जो बाल नहीं थे ना, सर्वांग सुंदर हो जाती है और उर्द के छिकले भी नीरस नहीं सरस भोजन बन जाते हैं। और भगवान महावीर को आहार देने के बाद उसी कारागास में पंचासर की वर्षा भी हो जाती है। इसे भक्ति कहते हैं। जिनेंद्र प्रभु की भक्ति देखिए, मनोरमा सती, क्या नियम था, मोती चढ़ाने का नियम था। मोती भी कौन से, गज मोती। पिता ने तो दे दिए पर ससुर ने चढ़ाने नहीं दिए, उपास कर लिया, जब तक देव दर्शन नहीं करूंगी, जब तक गज मोती नहीं चढ़ा दूंगी, मैं भोजन छोड़ो पानी को भी ग्रहण नहीं करूंगी। निकाल दिया। पर जिनेंद्र भगवान की भक्ति में अपूर्व सिद्धांत था, तो देवों ने आकर भी गजमोती उनको भेंट कर देते हैं और उस सती का नियम पालन करा दे। इसको भक्ति बोलते हैं। ऐसे कितने कितने उदाहरण हैं आगम में, कितने कितने पढ़ोगे, सुनते भी हैं। इसे कहते हैं जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने, सदा में स्तु सदा में स्तु सदा में स्तु भवे भवे। उन चैतन्य का वर्णन ज्ञान रूपी महासागर के समान जान पड़ते थे। कितने लोग वहां भगवान की पूजा करते थे और कितने लोग वहां से बाहर निकल जाते थे। इस प्रकार वो चैतन्य समूषण के समान शोभा को प्राप्त होते थे। ये क्या है, हमारा जीवंत समूषण है। मानते कि हमने वो समूषण नहीं देखा, कौन सा वाला, जहां पर हे प्रभु आप साक्षात विराजमान होते हैं, जंगम चैत्य के रूप में विराजमान होते हैं, वो समोषण नहीं देगा भगवान, कोई बात नहीं। पर ये जिनाले की समोषण से कम भी नहीं है। क्यों, यहां पर भी लोग भक्ति भाव के साथ आते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी पूजन करते हैं। कुछ तो मन से आते हैं और कुछ बिना मनाते हैं, कोई बात नहीं। भगवान के दर्शन करने आते हैं तो एक ना एक दिन ये भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन में हेतु बनेगा और मेरा संसार का छेदन अवश्य होगा। इसलिए समोषण कैसे है, ये मंदिर क्या है समोषण, यहाँ पर सभी को समान स्थान मिलता है। लोगों की दृष्टि में शांतनाथ के प्रति अनेक अनेक मान्यता हो सकती है, पर शांतनाथ की नजरों में सभी सूर्य नगर वालों के लिए मात्र एक ही दृष्टि है। ये सब कौन है, वीतराग शासन के अनुयायी हैं, इनको आगे मोक्ष को प्राप्त करना। तेरे दरबार पर अजब सा करिश्मा देखा, क्या तेरे दरबार पर अजब, तेरे दरबार पर अजब अजब सा करिश्मा देखा, झोली सभी की भरते देखी पर कोई भरते नहीं देखा।
झोली सभी की भरती है। तो हे परमात्मा, बेटा ये पता नहीं लगा पाया भरने वाला कौन था। तो महान बाबू, ये भक्ति का प्रसंग है। और एक भक्ति रस होता है, कौन सा रस होता है? भक्ति रस में वो ताकत होती है कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप खिंचा चला करता है, असंख्यात कर्मों की निरसना कर देता है। तो बंधुओं, आज हम लोगों ने यहाँ पर कवि ने बाद में बोल दिया, उसका वर्णन हम कैसे कर सकते हैं, उन चैत्यानों का बिल्कुल भी नहीं कर सकते, असमर्थ है, कलम रुक जाती है। कितना भी शब्द मेरे पास क्यों ना हो, कितना भी मेरा व्याकरण क्यों ना हो, पर जब जिनेंद्र भगवान के चैत्यालय और चैत्य की जब वंदना करने बैठूंगा, लिखने बैठूंगा, तो उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं होते, मैं निःशब्द हो जाता। ऐसे उन चैत्यालयों को हम सभी लोग बार बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, हे प्रभु, उन चैत्यालयों की वंदना भावपूर्वक करता हूँ। और यही प्रार्थना करता हूँ, क्या कहता हूँ परमात्मा से, सबके ये दुखों की तू है दवा। क्या समझे आप लोग? मेरे पास बहुत लोग बोल रहे थे, दीपक भाई ने बड़ा आज कहा महाराज कुछ करो या मत करो, पर एक बार ये प्रार्थना तो अवश्य नया करो, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वास्तविकता में मार्मिक प्रार्थना है। तो कहना है क्या, सबके ये दुखों की तू है दवा, सबके ये दुखों की तू है दवा, आंगने सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगने सुख बरसा, चुन चुने कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला, वर्षा दाता सुख बरसा, आंगने। परमात्मा से कहना है क्या, झोलियां सभी की तू चाहे दाता भर भी दे, झोलियां चाहे दाता भर भी दे, पर प्रभु दया करो सुख और सबल भी दे, पल पल मांगे यही दुआ, आंगने सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगने सुख बरसा, चुन चुने कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला, बोले शांतिनाथ भगवान की। कौन से यंत्र बजाती है? वाद्य यंत्र बजाती है, ढोलक भी बजाती है, मजरा भी बजाती है, जो जो वाद्य यंत्र होते हैं वह स्वयं बजाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम भगवान की भक्ति में जब डूबते हैं, मंदिरों में देखने को मिलता है, आज तो हम पूजा पढ़ने के लिए लोगों को बुला लेते हैं, पहले कोई सिस्टम ही नहीं था, खुद पूजा करते थे और संगीत भी हाथ में लगी हुई चम्मच, क्या समझे आप लोग, हाथ में लगी हुई चम्मच, हाथ में आई हुई कटोरी,
जो भगवान की वेदिका पर या संदली पर जब बजाते थे वह स्वर निकलता था और उस स्वर में व्यक्ति इतना डूब जाता था कि उसको कोई पता नहीं कौन आया, कब क्या हुआ, कुछ नहीं पता। वाद्य यंत्र कौन बजाते थे? स्वयं विद्याधरनिया बजाते थे, जो विद्याओं की अधिपति। उनके जीवन में किसी भी कोई कमी नहीं थी, पर आनंद के प्रकार रस में मग्न हो कितनी विद्याधरनिया क्या बजाती थी? वाद्य यंत्र बजाती थी। कितनी ही विद्याधरनिया बड़े उत्साह के साथ जिनेंद्र भगवान श्री जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक किया करती थी। क्या करती थी? जिनेंद्र भगवान का अभिषेक। कौन? विद्याधरनिया। आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज बोलते थे, अगर मस्तक को अगर पवित्र करना है तो अपने मस्तक पर एक बार जिनेंद्र प्रतिमा को स्थापित अवश्य करना। क्या करना? जिनेंद्र प्रतिमा को स्थापित अवश्य करना। अगर आपको इस वर्तमान पर्याय का छेदन करना है तो एक बार जिनेंद्र प्रभु के चरणों में बैठकर उनका स्पर्श कर निवेदन नमस्त करना कि हे प्रभु, बहुत हो गया ये दुख सागर में गोते खाते खाते, अब मेरे को आनंद सागर में गोता खाना है। कवि क्या बोल रहे हैं? कितनी इंद्रियां, कितनी देवांगनाएं, कितनी विद्याधरनिया जिनेंद्र भगवान का क्या करती थी? अभिषेक करती थी। सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर आगम तो यही दर्शाता है। समाज व्यवस्था कुछ भी हो सकती है, पर आगम व्यवस्था में कोई समझौता नहीं है। आचार्य भगवंत यहां पर कह रहे हैं बड़ी मार्मिक बात, कितनी ही विद्याधरनिया भगवान का दर्शन करती थी और कितनी ही देव देवनिया विद्याधर विद्याधरनिया से भरा हुआ व गंभीर शब्द से भरपूर चैत्यालय धर्म रूपी महासागर के समान जान पड़ता। बताइए कितनी सुंदर कल्पना। ये कल्पना नहीं है, यथार्थ है। जब जिनालों में जिनेंद्र भगवान की भक्ति के, जिनेंद्र प्रभु के गुणानुवाद के शब्द जब गुंजमान होते हैं ना, उस समय उस मंदिर का अलग ही क्या होता है, माहौल होता है। इस जिनाले में जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, जब भी आएगा, तो यहां पर सिर्फ जिनेंद्र प्रतिमा के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब भी कैसे ही भाव के साथ आएगा, एक बार कही देगा जिनाले है, इसमें मुझे कोई पाप नहीं करना है, कसाय भाव नहीं करना है, यहां सिर्फ क्या करना है, सिर्फ धर्म चर्चा करना है। अब कहोगे कि भगवान तो बोलते नहीं है, तो ये हमको क्या उपदेश देंगे? इनकी प्रतिमा, इनकी मुद्रा एक अपने में बहुत बड़ा एक उपदेश है। ग्रहण करने वाला ग्रहण कर लेता है और नहीं ग्रहण करने वाला क्या करता है, जिनेंद्र की देशना को भी ग्रहण नहीं कर पाता है। महत्वपूर्ण गंभीर शब्द भी कैसे, हल्के शब्द नहीं, शब्द भी कैसे होंगे, गंभीरता को लेकर।
याद रखना, जब कोई भगवान की भक्ति में डूबता है, मग्न होता है, और भगवान की भक्ति में डूबने के बाद कभी कभी भगवान को हम तू शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं, फिर भी भक्ति में वो स्वीकार होता है। वैसे हमारे लिए आदर्श है, बोलते ना कि तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर हो, नाम तुम्हारा तारण हरा कब तेरा क्या होगा, दर्शन होगा। बताओ दर्शन कब होगा? परमात्मा तो कहता है मैं तो तुमको हर समय दर्शन देने के लिए तैयार बैठा हूं। क्यों श्रोता जी? पर सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। कितने बजे उठना पड़ेगा? 6 बजे उठना पड़ेगा। परमात्मा कहता है कि मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए तैयार हूं, आओ एक बार आओ। और एक बार ज्यादा नहीं, एक बार इन चरणों का स्पर्श कर लो। तो आचार्य भगवत कहते हैं जो एक बार जिनेंद्र परमात्मा का चरण का स्पर्श कर लेता है, जिनेंद्र प्रतिमा के ऊपर अभिषेक हेतु धारा छोड़ देता है, तो उसके उसी समय असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो जाती है। विचार करिए, ये भगवान के प्रति आनंद है। गंभीर शब्द जितने भी स्रोत हैं, जितनी भक्तियां हैं, उन भक्तियों के माध्यम भगवान का स्तवन करना। अगर भक्ति नहीं आए, पढ़ना नहीं आए, तो सीधे सीधे बोल देना, हे भगवान तुम मुझे अपना जैसा कब बना रहे हो? क्या बोल देना? हे प्रभु तुम मुझे अपना जैसा कब बना रहे हो? वो घड़ी धन्य होगी जब मैं आप जैसा बनूंगा। कैसा बनूंगा? आप जैसा बनूंगा। गंभीर शब्द। जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति में कोई छोटे मोटे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, हर शब्द में गंभीरता, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है। याद रखना, जिनेंद्र परमात्मा के सामने जनालों में कभी व्यर्थ की बातें मत करना। कैसी बातें मत करना? व्यर्थ की बातें मत करना। व्यर्थ की बातें करने के लिए बहुत स्थान है, पर धर्म की चर्चा करने के लिए तो मात एक जनाले ही है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम और दर्शनम स्वर्ग सोपानम और दर्शनम मोक्ष साधनम। किसके दर्शन करने से? इन भगवान के दर्शन करने से। इस वितराग मुद्रा के दर्शन करने से हे परमात्मा मेरे भवों भवों का अंत होता है। इसलिए मैं कहां आया हूं? थारी शरण में आया हूं। शरण किसकी है? हे प्रभु आप करुणादारी हो, भव तापहारी हो, इसलिए कहां आया हूं? इसलिए थारी शरण में भगवान आया हूं। आओ, आ गया, अब क्या करो? अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे, अब जीत तुम्हारे चरणों में। हार तो होती नहीं है, जीत की बात करो। क्यों दीपक भाई, किसकी बात करो?
ये वो नाव है जो इनकी एक बार शरण लेता है ना, वो इस पार से उस पार नहीं भाव पार लगा देता है। ये वो केवट हारे हैं। कौन है बहावो? ये वो केवट हारे हैं। एक वो केवट हारा होता है जो इस पार से उस पार लगा देता है, पर ये वो केवट हारे हैं जो पार तो लगाते हैं पर भव पार लगा देते हैं। ऐसा गंभीर शब्द किसमें? चित्तल में गुज्यमान। अनेक अनेक स्तुतियां, जैसा जिसका भाव होता है वैसी भगवान की आराधना करता है। बालक जब अपनी तोतली भाषा में कुछ बोलता है ना, कौन सी भाषा में? तोतली भाषा में जब बोलता है ना, कितना अच्छा लगता है बताओ? लगता ही लगता आप लोगों को? लगता है ना? अगर उस तोतली भाषा में कुछ भी बोल जाए, जैसा भी बोल जाए, क्या लगता है? बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों? वो निर्विकारी है। रागत द्वेष नहीं है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है। पर उसी तोतली भाषा में कोई बड़ा व्यक्ति बोल जाए, अहंकारी व्यक्ति बोल जाए, तुरंत क्या हुआ है? झगड़ा हो जाता है। अरे इसने कैसे बोल दिया, इसको नहीं बोलना चाहिए था। पर बालक कुछ भी बोल जाए तुरंत स्वीकार है। ऐसी परमात्मा के द्वार पर चाहे कोई व्यक्ति कैसे भी भक्ति कर जाए, कुछ भी कर जाए, परमात्मा कहता है कोई बात नहीं, तेरी हर गलती मुझे स्वीकार है। क्या? तेरी हर गलती मुझे स्वीकार है। आ एक बार भगवान की वंदना करने आ, उस चैतालय में आ। बड़ा सुंदर मुझे प्रसंग याद आता है, मैंने चार पूर्व सुनाया भी था। एक अंधा, आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता था, कहां आया? रोज मंदिर आता था, रोज चैतालय आता था, रोज आराधना करने आ रहा है। एक ने पूछ लिया, आखिर तू मंदिर जाता क्यों है? क्या पूछा? आखिर में तू मंदिर जाता क्यों है? तेरे मंदिर से, तुझे जाने से परमात्मा तो दिखता नहीं होगा, क्योंकि तेरे पास देखने के लिए क्या नहीं है? हे वीर, तुम्हारे चरणों में एक दर्श भिखारी आया है और प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को क्या लाया है? दो नयन कटोरे लाया है। परमात्मा, मेरे पास तो दो नयन भी नहीं है जिससे मैं आपकी प्रतिमा का अवलोकन कर सकूं। ऐसा व्यक्ति रोज भगवान की वंदना करने आ रहा है, देखने वालों ने देखा। क्या देखा? देखने वालों ने देखा, टोक दिया, तुम मंदिर आते हो, परमात्मा को तो देख नहीं पाते हो, फिर क्यों मंदिर आते हो? उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मानता हूं मेरे पास देखने की शक्ति नहीं है, मानता हूं मैं चैत्यालय में जाकर भगवान की प्रतिमा का दर्शन नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं अंधा हूं, पर जिनकी वंदना करने जाता हूं ना, जिनके स्थान पर जाता हूं ना, जिसके चैत्यालय में जाता हूं ना, वो तो तीनों लोक को जानने वाले हैं और तीनों लोक को देखने वाले हैं। मैं अंधा, कोई बात नहीं, मैं परमात्मा को देख पाऊं ना देख पाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम परमात्मा तो मुझे देख रहा है ना, वही मेरे लिए काफी है।
ऐसी भावना उसी की होती है जो भगवान का पक्का भक्त होता है। भक्त कौन? भक्त कौन? जिसके पास परमात्मा के लिए रात दिन वक्त हो, वही कौन है? वही परमात्मा का भक्त है। और जिसके बाद में वक्त ही ना हो, बताओ वो भक्त कहलाएगा? भगवान बुला रहे, आजा बेटा। हाँ आता हूं, थोड़ा एक ग्राहक के चला के आ जाऊं। क्या चला के आ जाऊं? आ रहा हूं एक ग्राहक। क्या होगा ना? यहां पर तात्पर्य यह है कि जब भी हम प्रभु का स्मरण करें, कितने भी हम व्यस्त हों, पर हर सांस सांस में क्या होना चाहिए? प्रभु का स्मरण होना चाहिए। जिसकी सांस सांस में परमात्मा का ध्यान है, स्मरण है, तो याद रखना वो कभी पांचों पाप भी खुलकर नहीं कर सकता। डर लगा रहेगा, परमात्मा देख रहा है, भय बना रहेगा। और परमात्मा कहाँ बैठे हैं? मंदिर में है, चैत्यालय में है। हम कहाँ पर हैं? दुकान पर हैं। और याद रखना परमात्मा दुकान पर भी है, क्योंकि याद रखना भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भक्त एक बार परमात्मा को छोड़ सकता है, पर भगवान वैसे तो ये किसी का हाथ थामते नहीं है। क्या? वैसे तो ये किसी का हाथ थामते नहीं है, और जब किसी का हाथ थाम लेते हैं ना, तो किसी का हाथ छोड़ते नहीं। ये ऐसे परमात्मा हैं, इनकी शरण में आने से पता है जंगल लगा हुआ सोना भी क्या बन जाता है? जंगल लगा हुआ लोहा भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। पारस से पारस मिलकर पारस मणि बन जाता है। क्या? पारस से पारस मिलकर पारस मणि बन जाता है। और परमात्मा का आशीष पाकर हमारा सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। परमात्मा कहते हैं, चैत्यालों की बात है, वो धन्य है नगर, और नगर के अंदर विद्वान जो मंदिर है, और मंदिर के सामने किसी का घर हो। क्या हो? घर। बताओ वो पुण्यशाली है या भगवान है या पापी है? पुण्यशाली है। क्यों? जैसी सुबह गेट खुलते हैं तो दर्शन किसके होते हैं? इन भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान भी देखता है, किसको देखता है? सामने जो होता है उसको भी देखते हैं। कहा जाता है भगवान की जहां जहां दृष्टि जाती है तो चारों ओर विकास हो जाता है, इसलिए मंदिरों में मानस्थम बनते हैं। क्या बनते हैं? मानस्थम बनते हैं। चारों ओर चतुर्मुखी विकास होता है। किससे होता है? मानस्थम से होता है। शिखर बनती है, विशाल शिखर बनती है, और शिखर पर कलश भी होते हैं, और कलश के ऊपर क्या होती है? ध्वजा फहराती है। आजकल तो हम लोग ध्वजा उसकी लगा देते हैं, जैसे क्या बोलते हैं अपन, तांबे की, स्टील की, सोने की, चांदी की लगा देते। नहीं, ध्वजा वही मान्यता को प्राप्त होती है जो फहराती है। क्या करती है? फहराती है।
कहा जाता है कि जितनी बड़ी ध्वजा होती है, जितनी ऊंची ध्वजा होती है, उसका यश उतनी दूर दूर तक और ऊंचाई को छू जाता है। क्या लगाने से? ध्वजा लगाने से। किसी भी जनाले की ध्वजा झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए? सीधी होना चाहिए, ना टेढ़ी ना झुकी हुई होना चाहिए। क्यों? आपने देखा होगा, दो राजा जब आपस में युद्ध करते थे पहले, अगर सामने वाले राजा ने अगर अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया है तो संकेत कैसे करता था? अपनी ध्वजा को झुका देता था। जिन जिनालों की ध्वजा झुकी होती है उस समाज का कभी यश चारों ओर गुंजयमान नहीं हो पाता है। उन चैत्यालों का वर्णन सागर ही नहीं, धर्म रूपी महासागर में पता नहीं कितने लोग आते थे, और जो एक बार प्रभु का गुणगान प्रारंभ करता था, शुरुआत तो एक करता था, पता नहीं उस गुणगान में कितने सारे लोग आकर भाव विभोर होकर परमात्मा की भक्ति सुनते थे, और सुनने के बाद अपने अपने स्थान पर जाने का मन नहीं होता था, पर जाना पड़ता था। वो क्यों? भगवान की आराधना में कुछ ऐसा ही आनंद आता है। जब नानी कहानी सुनाती थी, जब दादी कहानी सुनाती थी, आजकल ना नानी कहानी सुनाती है ना दादी कहानी सुनाती है। सुनाए जब तो नानी और दादी को फुर्सत हो। क्या समझे? फुर्सत हो। बच्चों से ज्यादा दादी और नानी भी जी रहती है तो क्या कहानी सुनेगी भगवान महावीर। और जो दादी और नानी जब कथा सुनाती है, कहानी सुनाती है, भगवान की पुराण सुनाती है, तो बालक आगे चलकर निश्चित महान पुरुष बनता है। आज के मोबाइल की जिंदगी है, बच्चा अगर रोया क्या थमा दिया? ले तू भी बिजी, मैं भी बिजी, तू भी जी ले जिंदगी और मैं भी जिंदगी अभी जी रहा हूं। क्या सोच है? याद रखना, दादी और नानी की कहानी सुनाते समय एक बार सुनने वाला सो भी जाए, पता पहले क्या कहते थे? हुकरा देना, हुकरा। हूं पूछते थे, सुन रहे हो कि हूं? इसे क्या पता लगता था? जग रहा है, नींद ना आए, इसलिए कहा जाता कि हुकरा देते रहना। हे परमात्मा, आपकी कथा को सुनकर, आपकी कहानी को सुनकर, आपके जीवन चरित्र को सुनकर यहां तो पलक भी नहीं झपकती है, नींद की बात तो बहुत दूर है। कान थकते नहीं है किसकी आराधना सुनने से? परमात्मा की आराधना सुनने से। बंधुओं विचार करिए, उन चैत्यालों क्या आनंद होगा, लोग धर्म रूपी महासागर में डूब जाते हैं। जब धर्म की अविरल धारा बहती है ना, तो पता लोगों की स्थिति कैसी हो जाती है। वैष्णव परंपरा में मीरा का उल्लेख आता है। मीरा भगवान की भक्ति में, नारायण की भक्ति में इतनी पागल थी, जिसका वर्णन बहुत आता है। चंदना को देखो,
क्या था उनके पास? कुछ था क्या? बाल भी सर पर नहीं थे, राजकुमारी होने पर भी वस्त्र भी ठीक ठाक नहीं थे, ठीक ठाक नहीं थे। भोजन करने के लिए क्या थे? उड़द के छिलके थे। पैरों में क्या पड़ी हुई है? बेड़ियां पड़ी हुई है। बेड़ियां भी कैसी? एक बेड़ी छोटी और एक बड़ी बड़ी, पूरी बेड़ियां नहीं थी। भगवान महावीर स्वामी ने नियम लिया। कितने नियम? 13 नियम। राजकुमारी भी हो, कौन हो? राजकुमारी हो, और जो राजकुमारी होगी तो सर में बाल तो होंगे ना, उसके तो राजकुमारी है, तो उसके सर पर बाल ना हो। राजकुमारी भी हो पर महलों में ना हो, कारावास में हो। ऐसी कौन सी राजकुमारी कौन सी? महलों में हो या कारावास में हो? कारावास में हो। ऐसी राजकुमारी हो जिसके पैर, एक पैर धैरी के अंदर हो और एक पैर धैरी के बाहर हो। कम से कम बेड़ियां तो बराबर की होगी ना, आगे पीछे कैसे हो जाएंगी? राजकुमारी हो, रोती भी हो और हंसती भी हो। भगवान की भक्ति में विभोर हुई जैसी सुना महावीर आ रहे हैं। झांक कर देखा, सब हो रहा है। तुरंत क्या किया? प्रणाम किया। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। विधि मिली, महावीर का पड़गाहन हुआ, महामुनि का पड़गाहन हुआ। जैसे ही महामुनि को विधि के अंदर लेके गई, बेड़ियां खुल जाती हैं। सर पर जो बाल नहीं थे ना, सर्वांग सुंदर हो जाती है और उड़द के छिकले भी नीरस नहीं, सरस भोजन बन जाते हैं। और भगवान महावीर को आहार देने के बाद उसी कारागास में पंचासर की वर्षा भी हो जाती है। इसे भक्ति को, जिनेंद्र प्रभु की भक्ति देखिए। मनोरमा सती, क्या नियम था? मोती चढ़ाने का नियम था। मोती भी कौन से? गज मोती। पिता ने तो दे दिए पर ससुर ने चढ़ाने नहीं दिए, उपास कर लिया। जब तक देव दर्शन नहीं करूंगी, जब तक गज मोती नहीं चढ़ा दूंगी, मैं भोजन छोड़ो पानी को भी ग्रहण नहीं करूंगी। निकाल दिया। पर जिनेंद्र भगवान की भक्ति में अपूर्व सिद्धांत था, तो देवों ने आकर भी गजमोती उनको भेंट कर देते हैं और उस सती का नियम पालन करा दे। इसको भक्ति बोलते हैं। ऐसे कितने कितने उदाहरण हैं आगम में, कितने कितने पढ़ोगे, सुनते भी हैं। इसे कहते हैं जिने भक्ति, जिने भक्ति, जिने भक्ति, दिने दिने सदा में स्तु, सदा में स्तु, सदा में स्तु, भवे भवे। उनचे तेलोग वर्णन ज्ञान रूपी महासागर के समान जान पड़ते थे। कितने लोग वहां भगवान की पूजा करते थे और कितने लोग वहां से बाहर निकल जाते थे। इस प्रकार वो चैत्यालय समूषण के समान शोभा को प्राप्त होते थे। ये क्या है? हमारा जीवंत समूषण है। मानते कि हमने वो समूषण नहीं देखा। कौन सा वाला?
जहाँ पर हे प्रभु आप साक्षात विराजमान होते हैं, जंगम चैत्र के रूप में विराजमान होते हैं, वो समोषण नहीं देगा भगवान, कोई बात नहीं। पर ये जिनाले किसी समोषण से कम भी नहीं है। क्यों? यहां पर भी लोग भक्ति भाव के साथ आते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी पूजन करते हैं। कुछ तो मन से आते हैं और कुछ बिना मन आते हैं, कोई बात नहीं। भगवान के दर्शन करने आते हैं तो एक ना एक दिन ये भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन में हेतु बनेगा और मेरा संसार का छेदन अवश्य होगा। इसलिए समोषण कैसे है, ये मंदिर क्या है? समोषण, यहाँ पर सभी को समान स्थान मिलता है। लोगों की दृष्टि में शांतनाथ के प्रति अनेक अनेक मान्यता हो सकती है, पर शांतनाथ की नजरों में सभी सूर्य नगर वालों के लिए मात्र एक ही दृष्टि है। ये सब कौन है? वीतराग शासन के अनुयायी हैं, इनको आगे मोक्ष को प्राप्त करना। तेरे दरबार पर अजब सा करिश्मा देखा, क्या तेरे दरबार पर अजीब, तेरे दरबार पर अजब सा करिश्मा देखा, झोली सभी की भरते देखी पर कोई भरते नहीं देखा। झोली सभी की भरती है पर परमात्मा भी ये पता नहीं लगा पाया भरने वाला कौन था। तो महान बाबू, ये भक्ति का प्रसंग है और एक भक्ति रस होता है। कौन सा रस होता है? भक्ति रस में वो ताकत होती है कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप खिंचा चला करता है और असंख्यात कर्मों की निरसना कर देता है। तो बंधुओं, आज हम लोगों ने यहाँ पर कवि ने बाद में बोल दिया, उसका वर्णन हम कैसे कर सकते हैं, उन चैत्यानों का बिल्कुल भी नहीं कर सकते, असमर्थ है, कलम रुक जाती है। कितना भी शब्द तो मेरे पास क्यों ना हो, कितना मेरे पास व्याकरण क्यों ना हो, पर जब जिनेंद्र भगवान के चैत्यालय और चैत्य की जब वंदना करने बैठूंगा, लिखने बैठूंगा, तो उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं होते, मैं निःशब्द हो जाता। ऐसे उन चैत्यालयों को हम सभी लोग बार बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, हे प्रभु उन चैत्यालयों की वंदना भावपूर्वक करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ, क्या कहता हूँ परमात्मा से, सबके ये दुखों की तू है दवा। क्या समझे आप लोग? मेरे पास बहुत लोग बोल रहे थे, दीपक भाई ने बड़ा आज कहा महाराज कुछ करो या मत करो, पर एक बार ये प्रार्थना तो अवश्य नया करो, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वास्तविकता में मार्मिक प्रार्थना है। तो कहना है क्या, सबके ये दुखों की तू है दवा, सबके ये दुखों की तू है दवा, आंगने आंगने सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगने आंगने सुख बरसा, चुन चुने कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला, वर्षा दाता सुख बरसा, आंगने। परमात्मा से कहना है क्या, झोलियां सभी की तू चाहे दाता भर भी दे, झोलियां चाहे दाता भर भी दे, पर प्रभु दया करो सुख और सबल भी दे, पल पल मांगे मांगे यही दुआ, आंगने आंगने सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगने आंगने सुख बरसा।
मन के फूल खिला वर्षा दाता सुख बरसा बोली शांतिनाथ सुनते हैं पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से ये कथा जो है हमारे जीवन को बड़ा मंगलमय कर रही है और इतना अच्छा लगता है सुनकर के कि पूरे भावों के साथ में यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो तो हिलते ही नहीं हैं बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं श्रवण करते हैं देखना पड़ेगा मुझे और चलेंगे चालीसा के लिए और सुनेंगे इसके हाँ कल के लिए ना कल के लिए मुख्य श्रोता के लिए रहेंगी श्रीमती निधि जैन विजय कुमार जी जैन C153 सूर्यनगर एक बार जोरदार तालियां बजाएं आज पहली बार श्रीमती जी का नाम ऊपर आया है अभी तक तो सिर्फ श्रोता का नाम आता था कोई बात नहीं जोरदार तालियां पूरे परिवार के साथ यहां पर उपस्थित रहेंगे ठीक 6:30 बजे और अब चलेंगे श्री शांतिनाथ भगवान की चालीसा के लिए जय बोली शांतिनाथ भगवान की जय महाप्रभु को नमन है जिन वाणी का ध्यान सर्व साधु की भक्त से होवेगा कल्याण शांतिनाथ के चरण में शीश झुकाऊं सूर्य नगर में राज पे भक्त है सकल समान शांतिनाथ भगवान हमारे नमन शरण में प्रभु तुम्हारे श्रद्धा भक्ति मन से जाऊं सुख पाने को दर पर आऊं गजपुर नगरी वैभवशाली चारों तरफ बहे खुश तेरा देवी गर्भ में आए विश्व से नृप खुशी मनाए जन्म हुआ बाजे बजते थे इंद्र के सिंहासन हिलते थे क्षण भर नरकों में हो विशांत दूर हो गई सबकी भ्रांत मोत्सव की हुई तैयारी अब आई देवों की मां ऐरावत हाथी बोलाए देख कराए तांडव नृत्य सुरेंद्र ने कीना मैंने मोहक मन को हर लीना तीन ज्ञान तुम जन्म से पाए मति श्रुति अब दी ज्ञान बतलाए ओ माता पालक गोद खिलाते सखियां उनसे बात मिलाते हर गोदी ले करके झूमे विश्व से बालक को चूमे पुत्र को दीना फिर जस्त्री पद को पालीना सुख से रह सबको सुख देते नहीं किसी को कष्ट भी देते ओ कामदेव पद रूप सुंदर मोहित कर बसते दिल अंदर तीन तीन पद एक साथ दे चरणों सबके झुके मात दे फिर बस आत्म को अपना मान सच्चा ज्ञान आत्म का जाना सब कुछ कैसी छोड़ा तुमने हम भी छोड़े सोचा हमने गौर तपस्या विश्व दिन करते कर्म कष्ट को हर पल हरते चार घातिया कर्म नशाए केवल ज्ञान दीप जलाए समो शरण सा महल बनाया उसमें जिन वर दर्श को पाया भक्ति वहाँ जो भी जाते थे शांति सुख संयम पाते थे सूर्य नगर में आपक वासा भक्तों को है आप से आशा ओ कृपा दृष्टि प्रभु हम पर कर दो भक्तों की झोली को भर दो इधर भी कांटे उधर भी कांटे अपने दुख को कैसे बांटे तू चाहे तो सब कुछ
आध्यात्मिक शांति को पाऊं, पैठ चरण में ध्यान लगाऊं। भटक न जाए इस संसार में, अटक न जाए जन्म जन्म बस जाओ तुमको, चरण शरण में रखना हमको। पधारे भक्त आपके राह निहारे, सितारे जा बासा बनाया, आत्म से आत्म को पाया। स्वस्ति भी गुण गान चालीसा चालीस दीने पढ़ना है सुख का, रीत सीत समृद्धि हो भव से पा। सूर्य नगर के स्वामी को प्रणाम बारंबार, माताएं मेरी हरो करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार। जय बोलिए देवादि देवी कजरण श्री शांतिनाथ भगवान की। पंचम चक्रे काम था
में सोलम तीर्थंकर स्वामी सोलम तीर्थंकर त्रय पद धारी तुम्हें ही मुरारी त्रय पद धारी तुम्हें ही मुरारी ब्रह्मा शिव शंकर शांति विदाता शिव सुखदाता शांति नाथ देवा ओम जय जिनेवर देवा। जब समस्त मुनि संग की अच्छा श्री की आरती करेंगे। जय गुरुवर जय सौभाग्य सागर जय गुरुवर ज्ञान उजागर हम सभी
सब हो